गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज एक और ट्रिक बताऊंगा आपको। कई बार हमें वेज प्रॉब्लम दी होती है कि एक ब्लॉक एक वेज के ऊपर रखा हुआ है और टू डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्वेश्चंस को देखते ही एकदम 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें ट्रिक्स का पता होता है, शॉर्टकट्स पता होते हैं। तो ये ट्रिक वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने उसी पर शुरू किया है कि आप में भी वो कॉन्फिडेंस आए। जो बच्चे 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर देते हैं वो कोई बहुत हाई आईक्यू के नहीं होते, वो केवल रिजल्ट्स को याद कर लेते हैं और समय पड़ने पे उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, उसी के तहत मैंने ट्रिक का प्रोग्राम शुरू किया है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप प्रोसेस सीखें पूरा, यू मस्ट नो द कैलकुलेशंस, क्योंकि जो जेई एडवांस के क्वेश्चन आते हैं वो किसी उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती, दे आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो पहली चीज़ आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो गए कॉन्सेप्ट्स में और केवल किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप वो ट्रिक सीखना चाहते हो, देन इट इज़ जस्ट यूज फॉर दैट। प्लीज़ डोंट डू दिस फॉर एज पर योर स्टडीज कंसर्न। आप पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ें, पूरे प्रोसेस सीखें और मेहनत करें ईमानदारी से। ये तो तब है जब आपको काम करना आ गया है, यू नो यू द सब्जेक्ट, देन इट कैन बी ऑफ सम यूज टू यू नो इम्प्रेस समबडी। सो लेट्स सी द ट्रिक। दो पॉपुलर केसेज हैं। पहला केस है जब M2 M1 पे स्लिप नहीं करेगा। सिंपल ट्रिक है, एक्सेलरेशन होना चाहिए इसका G10 थीटा, नॉर्मल रिएक्शन M2 G sec थीटा। रिजल्ट याद कर लीजिए इसका, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली कई बार होता है कि M2 फॉल्स फ्रीली, तो M2 अगर फॉल फ्रीली करेगा तो इसको आप पीछे खींचे G cot थीटा से, नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। इन रिजल्ट को आप वेरीफाई करके देखें, मेरी अगला जो मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा कैसे आया उसके थ्रू। तो वैसे आप भी किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।